लोकसभा चुनाव 2019 में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने गोरखपुर के सभी 13 लोकसभा सीट में 10 लोकसभा सीट पर शानदार जीत दर्ज करने पर सोमवार को अपने कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। बेनीगंज स्थित कार्यालय पर आयोजित कार्यकर्ता समारोह में विभिन्न क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को अंग वस्त्र व हाथ घड़ी देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद की कही बात आज सच साबित हुई है कि भारत 125 वर्ष बाद विश्व का नेतृत्व करेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। 1893 में 125 जोड़ने पर 2018 होगा। लोकसभा चुनाव 2019 का परिणाम इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। चुनाव प्रबंधन समिति से जुड़े पदाधिकारियों को सम्मानित करने के अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि अपनों का अभिनंदन अपनों के बीच में ही होना गौरव की अनुभूति कराता है। चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से हमारे सभी विभागों के कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर पार्टी की रणनीति को पहुंचाया, जिसका सकारात्मक परिणाम आया। गोरखपुर के सभी 13 लोकसभा सीट में 10 लोकसभा सीट पर शानदार जीत दर्ज की। समाज के सभी वर्गों में भाजपा की नीतियां स्वीकार्य हुई है। क्षेत्रीय चुनाव प्रबंधन समिति के सभी लोगों ने अपने अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया है, जो कि अत्यंत काबिले तारीफ है। सामूहिक नेतृत्व टीम भावना से किया गया कार्य मिलकर लड़ने से सफलता मिली है, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। इस अथक परिश्रम के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। इस अवसर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, पिपराइच के पूर्व विधायक, वरिष्ठ नेता, पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष ललन प्रसाद त्रिपाठी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य देवेंद्र पाल सिंह, क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष पुष्प दंत जैन, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिन्हा, क्षेत्रीय मंत्री विश्वजीताशु सिंह आशु, पूर्व महानगर अध्यक्ष राधेश्याम श्रीवास्तव, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी ब्रजेश राम त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने कहा, हम लोगों के अभिभावक माननीय इस प्रबंधन से जुड़े हुए बंधु निश्चित रूप से देश को नहीं दुनिया को चकित कर दी। ये सब कल्पना जनमानस में ये घर कर गया। चुने जाने के साथ उन्होंने इस संकल्प को दोहराया, सबका विश्वास के साथ हम आगे बढ़ने वाले शुरू करते हैं। निश्चित रूप से बड़े थोड़े समय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमसे अलग हो गए। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी को आग्रह करता हूं कि आप आवे और मानता हूं जब पूरे देश में एक लहर चल रही थी और उसका किसी को आकलन नहीं था। सारे के सारे दल जब मिल करके गठबंधन बना करके लगता था कि नरेंद्र मोदी को रोक लेंगे और अंदर अंदर जनता के बीच एक ऐसी लहर थी जो जनता ने पहले से मन बना लिया था और सचमुच जिन योजनाओं को केंद्र और प्रदेश की सरकार ने जमीन पर उतारा है, गरीबों के लिए उतारा है, जिसका सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था, समाज के आखिरी पायदान के व्यक्ति को उसके अपने विकास का, लेकिन वो सपना नीचे तक कैसे गया, वो जमीन पर कैसे उतरा, वो केरल और तमिलनाडु में क्यों नहीं उतर पाया। आखिर चमत्कारी नेतृत्व तो वही है, वो जमीन पर इस नाते उतर पाया कि हमारे कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम करके उसको नीचे तक ले जाने का काम किया, आम जनता के बीच ले जाने का काम। और इसलिए मैं चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से मैं जब कभी कभी समीक्षा करता हूं, हम लोग लखनऊ की बैठक में भी गए थे, पूरे देश के अंदर उसी लहर का परिणाम था कि जब हमारे नेतृत्व वर्ग के लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर 300 पार करेगी और हमारा गठबंधन 400 के करीब जाएगा, 350 के ऊपर गया भी, तो लोगों को कल्पना लगती थी, ये बातें हवा में लगती थी, लोग विश्वास नहीं करते थे। पूरे देश के अंदर परिणाम आए, उत्तर प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ 64
सीटें जीत करके एक इतिहास रची, गठबंधन को के नापाक मंसूबे को ध्वस्त किया। वहीं गोरखपुर क्षेत्र में भी हमने 13 सीटों में 10 सीटें जीत करके एक इतिहास लोगों ने समीक्षा किया। गोरखपुर क्षेत्र में भी हमने विधानसभा वार समीक्षा की है। आजमगढ़ के पांचों विधानसभा में हम हारे हैं, घोसी के पांचों विधानसभा में हारे हैं, मधुबन की जो विधानसभा हमारी है तारा सिंह चौहान जो मंत्री हैं 149 वोट से केवल हारे हैं। लालगंज की पांचों विधानसभा हारे हैं। बांसगांव लोकसभा में हम चिल्लू पर हारे हैं। सलेमपुर में बेथरा रोड हारे हैं। हमने अलग अलग बस्ती में हम महादेवा और सीपी शुक्ला की जो विधानसभा है दो सीटें दो विधानसभा वहाँ रहे हमने अलग अलग समीक्षा की है। हम अभी भी लोकसभा में जाकर के अलग अलग समीक्षा करने वाले हैं। हमारे जो प्रमुख नेता हैं, हमारे विधायक हैं, सांसद हमारे प्रमुख नेता हैं क्षेत्र प्रदेश प्रकट किया है। जनता को इस बात का विश्वास था कि नरेंद्र मोदी देश में आएंगे और उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा, और लाख कोशिश के बावजूद भी मेरे पास बहुत ऐसे भी उदाहरण हैं जो प्रमुख नेता सपा बसपा के हैं, उनके घर के उनकी माँ उनकी पत्नी ने कमल को वोट दिया है, मोदी को वोट दिया है। लाख कोशिशों के बावजूद इन सब की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम हम सब कार्यकर्ताओं का है। अब हम विपक्ष में नहीं, अब हम सत्ताधारी दल के हमारे केंद्र और प्रदेश की योजनाओं को हम नीचे तक ग्राम जनता तक कैसे ले जा सकें, उनको कैसे लाभ दिला सकें, जो जनता अपेक्षा की है वो हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी। मैं जब प्रबंधन की दृष्टि से देखता हूँ, मैं कभी कभी कल्पना करता हूँ कि घोर अंधेरा है और घोर अंधेरे में एक दीपक जला दिया जाए तो अंधेरे को प्रकाश कर देता है, तो केवल देखने वाले को लगेगा कि किसी ने डीएसएलआई जला दिया और दीपक में डीएसएलआई जला करके दीपक को जला दिया तो यह अंधेरा छट गया, उजाला आ गया। लेकिन उसके पीछे जब कल्पना करेंगे तो किसी किसान के परिश्रम से, उसके पसीने से कोई रुई का उत्पादन हुआ, कोई कुम्हार माटी के चाक से दीपक बनाया, कोई किसान परिश्रम से खड़े वो तीसी या सरसों या अन्य प्रकार के जो तेल निकलते हैं उसका उत्पादन किया, कोई बाती बनाया, कोई दीपक बनाया, कोई तिल्ली का अलग बनाने का व्यवसाय होता है, कोई बारूद बना करके तिल्ली में लगाता है, ये सब मिल करके दियासलाई का भूखा कोई कोई मजदूर और फैक्ट्री अलग बनाती है, सब मिल करके जब एक साथ खड़े होते हैं तब वो दीपक जलता है, तब अंधेरा मिटता है। और इसलिए मैं जब कल्पना करता हूँ किसी को ये लगता है कि केवल एक चीज के नाते परिणाम आ जाता है, ऐसा नहीं है। हम लोग जो समीक्षा कर रहे थे, मैं गोरखपुर क्षेत्र में जब इस बात की समीक्षा करता हूँ, प्रबंधन की दृष्टि से मैं देखता हूँ तो अलग अलग कहीं भी कोई किसी क्षेत्र में कठिनाई नहीं आई। छोटी मोटी इतने बड़े कार्यक्रम है, छोटी मोटी कठिनाइयां आ सकती है, लेकिन सभा के कार्यक्रम हो रहे हैं तो सभा के कार्यक्रम में किन किन नेताओं को किस क्षेत्रों में जाना है बहुत अच्छा सम्मेलन होगा, किन किन सामाजिक दृष्टि से किनको किनको कहाँ भेजना है अलग अलग लोगों को भी। आखिर चरण के चुनाव के नाते बहुत सारे नेता गोरखपुर आए, सबको आखिरी चरण में किन किन क्षेत्र के नेताओं को कहाँ कहाँ भेजना है, कितना अच्छा संयोजन हुआ, कौन कौन नेता आ रहा है अतिथि के रूप में, एयरपोर्ट पर आ रहा, रेलवे स्टेशन आ रहा है, किसी होटल पर जाना है, ये मुझे कभी चिंता नहीं करनी पड़ी। अतिथि विभाग अलग पूरे तरह से जिन जिन विभागों की जो जिम्मेदारी थी उस दायित्व का निर्वहन ठीक ढंग से प्रबंधन टीम ने निभाया। प्रचार लोकसभा क्षेत्रों में जो काम हो रहे थे अपने आप हो जा रहे थे, यहाँ से एक चीजें मान्यता हो रही थी, एक एक चीजें बात हो रही थी, और उन सब का परिणाम है कि बेहतर परिणाम गोरखपुर क्षेत्र में आया, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका गोरखपुर क्षेत्र के प्रबंधन की टीम की है। नात्मक
काम देख रहा है। गोरखपुर क्षेत्र में 13 लोकसभा आती है और उस 13 लोकसभा की दृष्टि से प्रबंधन का काम देख रहे एक डेढ़ माह से जो प्रबंधन का काम देख रहे कार्यकर्ता थे उन सब कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह यहाँ आयोजित था।